मणिपुर के चिरिबाम में हिंसा, 5 की गई जान, घर में घुसकर बुजुर्ग की ली गई जान, कुकी और मैतेई समुदायों के बीच गोलीबारी में 4 की गई जान। हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता बचन सिंह आर्य ने पार्टी से दिया इस्तीफा, जेजेपी के बागी एमएलए रामकुमार गौतम को सफीदों सीट से टिकट मिलने से नाराज। पूर्व बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को कांग्रेस नेता बजरंग पूनिया का जवाब, दिनेश की अयोग्यता पर जश्न मनाने वाले क्या देशभक्त हैं? ब्रिजभूषण ने कहा था कि वो खुश है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की टेंशन बढ़ाने की तैयारी में किसान, किसान नेता अभिमन्यु कोहार ने बीजेपी सरकार को दी चेतावनी, हरियाणा से बीजेपी को साफ करने का करेंगे काम। हरियाणा में पूर्व विधायक बलकौर सिंह का बीजेपी से इस्तीफे पर बयान, कहा मुझे कोई मान सम्मान या सरकारी पद नहीं दिया गया जिसके मैं लायक हूं, इसलिए कांग्रेस में हो रहा हूं शामिल। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर भड़के कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह, बोले ऐसे लोगों को समाज करे बॉयकॉट, कंगना जैसे लोग फैलाते हैं नफरत। हिमाचल प्रदेश में संजौली में अवैध मस्जिद मामले में नहीं आया फैसला, जेई को स्टेटस रिपोर्ट देने के आदेश, 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई। बीपीएससी शिक्षकों के फर्जी डॉक्यूमेंट की जांच कर किया जाए बर्खास्त, नहीं तो शुरू होगा राज्यव्यापी आंदोलन, छात्र संगठन की एनडीए सरकार को चेतावनी। लड़की बहन योजना को लेकर महाराष्ट्र एनडीए में दरार, शिवसेना एनसीपी में ठनी, देवेंद्र फडणवीस ने प्रचार को लेकर एसओपी का दिया प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला किया रद्द, हाईकोर्ट के कॉलेजियम ने 2 जजों के प्रमोशन को लेकर ठुकराया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 9 सितंबर को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे अबुधाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद, अबुधाबी के क्राउन प्रिंस के रूप में ये महामहिम की पहली भारत यात्रा। बायजू के ऑडिटर बीडीओ ग्लोबल ने छोड़ा पद, दिवालियापन की कार्रवाई शुरू होने के बाद फैसला। बांग्लादेश से घर पर मिली शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हो सकता है बड़ा बदलाव, टीम को मिल सकता है नया कप्तान। बॉलीवुड में गणेश चतुर्थी की रौनक, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने दी बधाई तो राजकुमार राव ने घर पर ही बनाई प्रतिमा। ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हिना खान की ऑन स्क्रीन बेटी नायरा ने बढ़ाया उनका हौसला, ये रिश्ता क्या कहलाता है, परिवार भी उनकी हालत देख हुआ इमोशनल।